सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। बकरों के बाद में हमने कबूतर देखे, बिल्ली देखी। नाउ अभी सोहेल भाई का एक काफ़ी एक्सक्लूसिव शौक आप लोग देख रहे हैं। सोहेल भाई, ये घोड़ों का भी शौक आप करते हैं जी? तो आपके पास फिल वक्त ये एक ही है? हाँ, अभी तो एक ही है, लेकिन गले हमारे पास 5-6 है जी। लेकिन जो चाहिए थी बोलते ना जी, वो कुछ कारण से एक्सपायर हो गई जी। तो उसके बाद से फिर कम कर दी, सिर्फ एक ही रखी है। ये कौन सी ब्रीड की है सोहेल भाई? ये मारवाड़ी ब्रीड है जी। मारवाड़ी ब्रीड है, इसका आप साइज बना देख सकते हो, बहुत अच्छी साइज में। 3 साल की अभी हुई है ये जी। इसका साइज बना, इसका कलर देख सकते हो आप जी। इसकी खूबसूरती प्लस इसको देवमन बोलते हैं। ये जो निशान है गले पे, मैं लोगों को दिखा दूं जी, इसको देवमन बोलते हैं। आप देख सकते हो इसका देवमन कितना बड़ा है। ये हर घोड़े में होता है? नहीं, कुछ ही घोड़े में होता है। और देवमठ में भी कैसा होता है, जैसे नीचे से ऊपर जानी चाहिए, ऊपर से नीचे नहीं आनी चाहिए। अच्छा, आप देख सकते हैं उसको नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर जा रही है। इंशाल्लाह ये बड़ी हुई ना, यहाँ तक जाएगी जी, और बढ़ेगी। आप इसकी सीने का भाग देख सकते हो जी, बराबर है। और आप इसकी खड़े रहने की कंडीशन वगैरह ये सब देख सकते हो। इसका नाम क्या रखे भाई आपने? इसका नाम काली रखा हुआ है। काली रखे जी। ये फीमेल हॉर्स है, राइट? फीमेल हॉर्स है जी। कान के बारे में क्या बोलेंगे आप? कान दोनों खड़े हैं। हाँ, इसके जो मारवाड़ी के जो कान होते हैं ना जी, कम्प्लीटली देखो मीडियम कान है इसके एकदम जी, दूसरे घोड़ों की तरह नहीं है जी। कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, ऐसा नहीं है। और ये एग्रेशन में कैसी है, ज्यादा गुस्से वाली है? हाँ, तो चलने में पावर वाली, फुल चलेगी ना तो 50-60 की स्पीड से करीबन चल रही है। अभी तो हम इसके ऊपर सवार लगा ही नहीं है। अभी तक आप लोग सवारी नहीं की इस पे? नहीं, क्योंकि बड़ी अब हुई ना ये, 3 साल की अब हुई, 2.5 साल में इसको घोड़े सवारी चालू कर सकते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल सवार बैठता है ना जी, उसको अभी तक नहीं लगाया इस पे जी, ताकि इसको बड़ी लगाम फिराने के बाद ये जो हरकत में चलती है ना, हरकत में चलने के बाद तो कम्प्लीट रेवाल चल रही है। तो रेवाल में 100-120 भी चलती है जी, हाँ चलने में, लेकिन अभी करीबन 60-70 तो चल जाती है। और आप ब्रीडिंग लेंगे कभी आगे इससे? हाँ इंशाल्लाह, इस अब जो सीजन पे आएगी ना ये जी, तो इसका ब्रीड लेने का है। और मेल मिल जाएगा आपको? हाँ मेल मिल जाएगा ना, क्योंकि ब्लड लाइन की चीज़ है जी, ब्लड लाइन की चीज़ है। ब्लड लाइन की चीज़ में आप साइज कोना देख सकते हो इसका, 60-61 इसकी साइज है जी, बराबर। तो नॉर्मली 64-63 तो होती है जी, बराबर है। लेकिन ये साइज होना भी बहुत अच्छा है, तो इसको हम बहुत अच्छा एग्रेसिव मेल बताएंगे किसी का जी। खाने में क्या देते हैं आप इसको? खाने में इसको देखो, अभी हम जैसे कि दे रहे हैं अभी, तो ये ज्वार का जो भूसा बोलते हैं, ज्वार का फूला जी, उसको काट कर दे रहे हैं अभी। फिर दोनों टाइम दाण देंगे हम लोग इसको, चूनी वगैरह है जी, बराबर, टेक केयर है उसको। फिर घोड़ा जीरा है जी, सब दे के इसको रेडी करते हैं जी, माशाल्लाह। अभी ठंडी की सीजन है तो इसको कचरिया बोलते हैं ना, हाँ, तो तिल का कचरिया आता है जी, तिल का कचरिया। इसको देखो, अब इसकी आप हरकत देख सकते हो, बराबर। इसको तिल का कचरिया देंगे, तिल का तेल देंगे हम लोग जी, ठीक है, फिर हम लोग इसको बनाते हैं। माशाल्लाह, आपके पास और भी थे, आप बोल रहे हो सेल कर दिया आपने? हाँ सेल कर दिया हमने, ये अभी नॉट फॉर सेल है, सेल के लिए नहीं है। बस ऐसे शौक से रखी हुई है इसको। अच्छा, पैर वैर भी मार देगी क्या? नहीं, पैर नहीं मारेगी एक्चुअली। वो क्या, 2-3 दिन से थोड़ा हिट पे आ रही है, भीतर पे आएगी ना, अब सीजन पे आएगी, कि अब इसकी एज है, अब इस पे आई है तो थोड़ी बहुत तो मस्ती करेगी ना। सही है, वो नहीं अपने बोलते, पहली पहली बार बकरी सीजन पे आती है तो मस्ती करती है, बस इनके भी ऐसा ही होता है, मारती करती नहीं है। देखो जैसे कि अभी आपने देखा, मैं नजदीक गया ना, बचका भरा ना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। माशाल्लाह, काफी अच्छा लगा भाई। मैं वापस बोलूंगा कि बहुत ही अच्छा शौक कर रहे हैं आप जी, और ये शौक जारी रखें इंशाल्लाह। और फ्रेंड्स, ये घोड़ी फॉर सेल नहीं है, तो इसके लिए फ़ोन ना करें सोहेल भाई को, नहीं तो लोग उसमें भी फ़ोन करेंगे। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।